दिनों दिन बढ़ती महंगाई से अब लोगों का गुस्सा सरकार पर फूटने लगा है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जीवन शैली पर असर डाला ही है, साथ ही आर्थिक तंगी से भी उसे गुजरना पड़ रहा है। तो वहीं बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते अलग अलग तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ हवन का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विधायक विनय सक्सेना भी मौजूद रहे। इस दौरान बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। एक तरफ दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है, नौकरियों का अकाल पड़ गया है, जिनके पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां जा रही हैं, अर्थव्यवस्था चौपट है, पटरी पे कोई का घर नहीं जो है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसकी अर्थव्यवस्था और घर का जो बजट है वो पटरी पे। ऐसे समय में लगातार डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ना कहीं ना कहीं सही सरकार का नकारापन है। और बहुत बड़ी बड़ी बात करके आने वाली सरकार जो अच्छे दिन की बात कर रही थी, तो आज जनता पूछ रही इससे अच्छे तो वो बुरे ही दिन थे जब डीजल पेट्रोल 60 रुपये 50 रुपये लीटर था और पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की मंदी का दौर था जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। और अच्छे दिन की बात करते करते सरकार ने जो झूठ बोला, और आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मध्यम वर्ग का होगा, जो अल्प आय वर्ग का होगा या न्यून आय वर्ग का होगा, जो करहा नहीं रहा। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा भी ये मानना था कि अगर हम कहीं यज्ञ कर रहे हैं और मांग किससे रहे, मैंने भी आके सब अपने साथियों से कहा किसी मंदिर में अपन सामने करें, रानीताल चाहे बीच पे किया जाए, सबसे अच्छा तो है भगवान के सामने किया जाए, क्योंकि बगैर भगवान के सामने मत्था टेकने से इस सरकार को कुछ होने वाला नहीं, इस सरकार को बुद्धि आने वाली भी नहीं। इसलिए मैंने भी साथियों से कहा कि एक तरफ शहर चौराहे में कोई भी यातायात बाधित करने से अच्छा ही होगा कि सामने मंदिर के जहाँ देवी माँ स्थापित है और पूरे भगवान स्थापित है, उनके सामने से यज्ञ किया जाए, जिससे शायद इस सरकार की मति जो है जो भ्रष्ट हो गई है, जो जनता का रक्षक बन गया, भक्षक बन गई, ऐसी सरकार को बुद्धि आ जाए।